राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज हम लिख के सीखने की प्लेलिस्ट में आ चुके हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ट्राई करना। हम इसके अच्छे अच्छे अप्रोच डिस्कस करेंगे, अगर बनता है ठीक, नहीं बनता है देन अगेन ठीक। वीडियो पे कंटिन्यू करना। हमारे साथ इस वीडियो के लिए जुड़ चुके हैं प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसमें हमें चेक करना है कि जो लिंक्ड लिस्ट है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो पैलिंड्रोम क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। यहाँ पर देखो 1 2 2 1, अगर हम इसको उल्टा भी कर देंगे 1 2 2 1 ही होगा, पर यहाँ पर 1 2 है, अगर हम बिल्कुल इसको बन उल्टा कर देंगे तो इट विल बिकम 2 1, होगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं। नहीं। तो इसको चेक करने का क्या तरीका हो सकता है प्रशांत? एक तो अपना मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच बोल सकते हैं हम लोग, वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके कि एक्स्ट्रा स्पेस एक यूज स्ट्रिंग में करके, सबको स्टोर कर लेंगे, और स्ट्रिंग में कर लिए तो फिर स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम फाइंड तो बताइए कैसे चेक करते हैं। तो तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है प्रशांत, और तो ये इसमें हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, क्या बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए भी हम लोग कर सकते हैं क्या? यशु आई एम एबल टू थिंक अप्रोच बट आई एम नॉट श्योर दैट वेदर इट विल वर्क परफेक्टली और नॉट। मैं यहाँ पे रिकर्सिवली कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इस जी तरीके के क्वेश्चन हम अगर ट्री वाले जब प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, रिकर्शन से भी ये सब चीज हम चेक कर सकते हैं। पर राइट रिकर्शन में क्या है ना कि आप खुद से तो आप नहीं यूज कर रहे हो स्पेस, पर उसमें इंटरनली जो स्टैक कॉल होता है और उसमें आपका मेमोरी में स्पेस होता है, पर आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल, वो इनविजिबली आपका आप, स्टैक एक तरह से भरता रहता है वहां पे। हाँ और आपको एमएलई आ सकता है इस केस में। मुझे आया है कभी कभी, कॉम्पिटेटिव कोडिंग में इधर तो नहीं, पर हाँ आ सकता है रिकर्शन में एमएलई। तो दैट्स इट कि मतलब स्टैक, सॉरी रिकर्शन भी जो है वो आपको दिखेगा नहीं, पर वो मेमोरी यूज करता है। राइट। और कोई अप्रोच प्रशांत? और जो शोभ मेरे को एक और अप्रोच आ रहा है वो यहाँ पे बेसिकली टू पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर वेदर दिस विल वर्क और नॉट। यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर यूज करेंगे बेसिकली हेयर एंड टॉर्टोइस मेथड की तरह। एक फास्ट पॉइंटर एक स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर को बेसिकली हम लोग तेज चलाएंगे और स्लो पॉइंटर को एक एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो उससे हम लोग को क्या होगा ना कि हमारा मिड वैल्यू हमको पकड़ में आ जाएगी कि हाँ ठीक है यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू है, बट उसके बाद मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे करेंगे इसको। बेसिकली लिंक्ड लिस्ट वाले में स्लो और फास्ट पॉइंटर का बहुत खेल है। एक चीज तो हमें पता है कि अगर हम मिड पे पहुंच गए तो फिर मिड से हमें चेक करना है कि मिड से एक इधर पीछे चलना है और एक इधर आगे चलना है, एक इधर पीछे राइट चलना है, सॉरी पीछे राइट, चलना है, एक इधर से आगे चलना लेकिन है, हम लोग पीछे जा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमने तो नोड मॉडिफाई ही नहीं किया। तो हम बीच राइट पे तो आ गए स्लो और फास्ट का इस्तेमाल करके, पर अब हम क्या करें? अगर आपको मैं बताऊं इसका क्या अप्रोच है, इसमें हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स का अगेन हमने वीडियो पहले से डिस्कस किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता रिवर्स कैसे करना है तो आप उसको प्लेलिस्ट पे चल जाना, देख लेना। हम यहाँ पर रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स से क्या फायदा होगा? रिवर्स से क्या फायदा होगा? यहाँ पर हमारा लिंक लिस्ट था 1 2 3, यहाँ पर हमारा जो हमने डिस्कस किया था जब हम मिड फाइंड करते थे यूजिंग स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, तो अगर दो मिड हुआ, जैसे कि अगर राइट इवन नंबर ऑफ नोड्स है, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ नोड्स है, तो ये तो हम पॉइंट लोग करेगा आगे वाले मिड थ्री, लेते। और यहाँ पर राइट से हम क्या करेंगे, 3 वाले से रिवर्स कर देंगे। यहाँ से लिंक लिस्ट हमारा जो है, तो हमारा लिंक लिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3, यहाँ पर हमारा क्या होगा लिंक लिस्ट 1 2 3, और हमारा मिड अभी यहाँ पर 4 पे पॉइंट कर रहा है। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 3 4 अब अगर हम फिर से जो फास्ट पॉइंटर हमारा नल हो चुका है, या फिर एक फिर से पॉइंटर इनिशियलाइज कर दे हेड पे, और इसका जहां पर मिड पे था वो तो मिड हो ही चुका है रिवर्स, तो हम यहां पर से तो बिल्कुल सीधा सीधा चेक करते जा सकते हैं 1 2 3 1 2 3, यहां पर से फिर अगेन हम चेक सेम करते जा वैल्यू। सकते हैं 1 2 3 1 2 3, राइट। तो दैट सिंपल, हमने 2 पॉइंटर का अप्रोच करके हमने यहाँ पर मिड निकाला और मिड से हमने कर दिया रिवर्स, और 2 पॉइंटर्स वाले ही मिड से करना है हमें। राइट तो रिवर्स का कोड हमने डिस्कस किया हुआ है,
तो मैं स्पेशली अलग से और उसको हमने लिखा, मिड निकालने का भी अप्रोच डिस्कस किया हुआ है। इफ यू वांट दोनों यू ही कैन चेक वीडियो द आपको अप्रोच इस एंड चैनल आवर पे मिल वीडियोस। जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, थोड़े आगे पीछे होंगे, अगर आई बटन में आ रहा होगा तो देख लेना वहां से, नहीं तो थोड़े ही पीछे में मिल जाएगा। आ जाते इस कोड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पर मिड। मिड निकालने का यही तरीका है, हमने बात किया है इसके बारे में, और फिर हम कर देंगे स्लो। स्लो हमारा पॉइंट करता है मिड को। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे, जहां पर से स्लो पॉइंट कर रहा है वहां पर से हम कर देंगे रिवर्स, और फास्ट को हम फिर से री इनिशियलाइज कर देंगे हेड पे। ये जरूरी है ना, क्योंकि हमारा फास्ट अभी जा चुका है नल पे, तो फिर से हम फास्ट को यहाँ पर कर देंगे, और स्लो जो हमारा था यहाँ पर, स्लो यहाँ पर था, अब स्लो को हमने री इनिशियलाइज कर दिया रिवर्स करके, मतलब स्लो अब टू को पॉइंट, वन को पॉइंट कर रहा है। राइट और यहाँ पर आ गए हम, और ये भी नोड हमारा रिवर्स ये भी हो जाएगा शायद, कोई बात नहीं, उसका कोई में मतलब भी नहीं वैसा। अब वाइल स्लो, जब तक स्लो है तब तक हम क्या करेंगे, अगर स्लो का वैल्यू और फास्ट का वैल्यू फास्ट अगर डिफर कर जाएगा, सेम नहीं होगा तो फास्ट अब ऑब्वियसली यहाँ वो से पैलिंड्रोम नहीं सीधा होगा। जा रहा है और स्लो अब यहाँ से रिवर्स करके सीधा जा रहा है, तो अगर राइट यहाँ पर कहीं पर भी वैल्यू में डिस्क्रिपेंसी आएगा तो यहाँ पर हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं, और साथ ही बिल्कुल साथ स्लो और फास्ट को अपडेट करते जा सकते हैं। अगर कभी भी हमें डिस्क्रिपेंसी नहीं मिला, बीच में हमने रिटर्न नहीं किया है फॉल्स, तो इसका मतलब कि ये हमारा पैलिंड्रोम है, इन द एंड वी विल रिटर्न ट्रू। और यहाँ पर हमने लिख दिया है आपके लिए रिवर्स का भी कोड, इसको भी हमने अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करें तो हर चीज आपको समझ में आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।